कैसा लड़का लोग हो गया है जो रोड वोड पे भी शुरू हो जाता है। झूला भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, पर इसमें कोई दिख नहीं रहा है। चेयर लगा हुआ है, वहाँ पे बैठ सकते हो आके, थोड़ा सा तो रिलैक्स महसूस जरूर हो। हाँ मतलब पब्लिक में जानते बोले एकदम पैसा वसूल नहीं है, पैसा बर्बाद है। वाह क्या प्यार है, देख सकते हो। भूख लगेगा ना जब भी तो हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं, अंदर से गुस्सा मन तो मन चिड़चिड़ा जाता है इस वजह से। हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग चैनल। और आई हम सब आए मेला घूमे डिज्नीलैंड मेला, जो कि लगा था पाटलिपुत्र गांव में, लेकिन बंद हो गया। उतना ही तेजी में जितना तेजी में खुला था नहीं, कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले बंद हो गया है। बंद हो गया था, बंद हो गया था, लेकिन न्यू वाला है ना ये। हाँ ये न्यू वाला थोड़ा सा यूनिक है। और अभी का व्यू दिखाते हैं, शाम होने ही वाली है, मतलब हम लोग पहले पहुंच गए और अभी टिकट विकट कटा लेंगे ताकि भीड़ ना हो, क्योंकि रात में तो सब कोई आते हैं घूमने के लिए और मेला वेला तो रात में ही अच्छा लगता है, तो हम लोग भी जाएंगे अंदर। फिलहाल अभी थोड़ा सा हम लोग को वीडियो शूट करना है रचना वाले चैनल के लिए, रील्स के लिए, उस सब में टाइम लगेगा, तब तक खुल भी जाएगा मेला, ठीक है। तो आपको व्यू दिखाते हैं यार, बहुत मस्त लगता है। ओ वाओ, शाम का नजारा तो कुछ गजब का ही रहता है। और देख सकते हो इतना बड़ा सा लगता है, गांधी मैदान में तो बहुत छोटा सा लगता है, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है क्योंकि वहां पे स्पेस ही नहीं देता है, ज्यादा स्पेस तो बहुत है लेकिन लगाते ही नहीं है लोग, पता नहीं क्यों। यहाँ पे बहुत बड़ा सा लगता है, अंदर में दिखाएंगे कैसा लग रहा है तुमको आके। और ये भुलक्कर भूल गई थी कि मेला लगा हुआ, हम इसको बोले कि चलो ना रचना, घर पे थे ना इस वजह से बना नहीं पाए। हाँ, आ चुके हैं अंदर और अभी वीडियो बनाना स्टार्ट हो चुका है हम लोग का, रील्स थोड़ा बहुत बना रही है रचना, हम भी बना रहे हैं। इस बार के मेले में खास है 3D शो, और आप यहाँ पे आते हो ना तो देख पाओगे, पीछे दिखाते हैं, पीछे देख सकते हो ये वाला, ये पहले पिछले साल नहीं था, इस बार आया है। गाइस अभी ना हम लोग उसमें 3D शो वाला जो दिखाया जा रहा था उसमें जाने का सोच रहे थे, ठीक है। 50 रुपया लग रहा है एक आदमी का, लेकिन हम लोगों से रिव्यू पूछे ना तो एकदम तुच्छ जैसा फेस करके और बोले एकदम पैसा वसूल नहीं है, पैसा बर्बाद है, 10 रुपये का चीज 50 रुपये में दिखाया जा रहा है, एकदम घटिया तरीके से दिखाया जा रहा है। हमको लगा अच्छा होगा, मतलब बाहर से तो एकदम अच्छे से उसमें अलाउंस किया जा रहा है कि आपको समुद्र का सैर कराएंगे, जानवर आप पे हमला करेंगे, ऐसा कुछ, लेकिन वो जो बोली ना, बोली एकदम घटिया है, मत जाइए, आप लोग का पैसा बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से हम लोग नहीं जाने वाले, जिनको जाने का मन होगा अपना जाएगा, तो बोल देना रिव्यू नहीं अच्छा था, लोगों से पूछे हम। यहाँ पे ड्रैगन वाला झूला स्टार्ट कर दिया गया है और बस 2-3 लोग ही झूल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि मेला चालू हो चुका है। तभी हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। वाह अभी बताते हैं क्या हुआ, अभी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अभी हम लोग वीडियो कर रहे थे, ठीक है, दो लड़का लड़की आया और हाँ मतलब पब्लिक में जानते हो, हम जोर से बोलते छप पड़ी। बहुत खराब सा लगा हमको, कैसा लड़का लोग हो गया है जो रोड वोड पे भी शुरू हो जाता है। मेला के अंदर भी आपको बहुत सारा मेला देखने को मिलेगा, जैसे कि ये, और लग ही रहा है अभी पूरा, अच्छी तरह से लगा नहीं है, लग ही रहा, देख सकते हो यहाँ पे कप वगैरह बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है, कितना सुंदर सुंदर सा कप है, देख सकते हो। ये मेला तो अभी स्टार्टिंग है, पूरे मंथ रहने वाला है, आज तो बस 2 ही तारीख है, पूरा अच्छे तरीके से ना सारा स्टॉल वगैरह लग जाएगा संडे से, तो संडे से आप आइएगा, संडे को आइएगा घूमने के लिए, सबका छुट्टी भी रहता है, घूम सकते हो। अभी तो बहुत कुछ कुछ बस स्टॉल लगा है, बाकी सब खाली है, ऐसे अंधे पे सुलाए हुए हैं। वाह क्या प्यार है, देख सकते हो आप। फिर रोस्ट वीडियो बनाने नहीं आए हम, बनाने आए हैं मेला का ब्लॉग, तो पता नहीं क्यों लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि बोलने पे मजबूर हो जाते हैं और बोलना पड़ता है। अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, बहुत देर से हम बाहर हैं, इस वजह से पता नहीं लोग झूला कैसे झूल लेते हैं, हमको तो इतना डर ही लगता है ऊंचाई से, हम कभी झूला वाला नहीं झूलते, ना हम झूलते हैं ना रचना झूलती है, कभी नहीं, एक दो बार बस समस्तीपुर में झूले हुए हैं वही। और ये वाला झूला भी स्टार्ट हो चुका है गाइस, पर इसमें कोई दिख नहीं रहा है, अपने आप चला दिए हैं,
ताकि लोग आए और उसमें बैठे। बहुत सारा झूला लगा हुआ है, मतलब ड्रैगन वाला तो 2-3 है और एक बड़ा वाला झूला है, ब्रेक डांस का 2-3 है, ऐसे कर करके बहुत सारा झूला है और बच्चों के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप आते हो मेला में, लोग झूला झूलने के लिए ही आते हैं, इसलिए झूला ज्यादा ऐसा है। और रचना है तो अपन शॉर्ट लेट और झूला वूला सब बंद हो गए, पता नहीं किया आदमी ये नहीं छे। देखे वाओ क्या शॉर्ट ली है, ये सब आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, इसके इंस्टाग्राम पे जो कि है रचना 50-55। हम इसका हमेशा प्रचार कर देते हैं अपने ब्लॉग प्रचार। हाँ ये हमेशा हम पे चिड़ी हुई रहती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि भूख लगा है ना इसको, इस वजह से शायद। और हम दोनों बहन का आदत है, भूख लगेगा ना जब भी तो हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं अंदर से, गुस्सा मन तो मन चिड़चिड़ा जाता है, इस वजह से गुस्सा अपने आप निकलता है। और कोई है भी नहीं मेला में, मजा भी नहीं आ रहा, बोरिंग जैसा लग रहा है गाइस। भीड़ रहता है ना मेला में तो देखने में भी अच्छा लगता है, हु होते रहता है झूला वूला पे। अभी तो ऐसे ही है, बस खाली खाली सा लग रहा है, हो जाएगा भीड़ धीरे धीरे होगा। एक बार और हम लोग आएंगे बीच में जब मेला खत्म होने वाला रहेगा तब। और गैस इस वाले झूले पे हमको सबसे ज्यादा डर लगता है, उसके बाद इस पे तो कभी बैठे भी नहीं है हम, इस वाले पे नाव वाले पे, उस पे तो बैठे भी हैं एक बार बस। और गैस हम बहुत देर से बैठने वाला खोज रहे थे, फाइनली बहुत सारा चेयर लगा हुआ है इधर साइड से, बैठ जाते हैं क्योंकि हालत खराब है भाई। और रचना पक्का से हमको ढूंढ रही होगी, इधर तो दिखा देते थोड़ा सा, नहीं तो बुतला जाएगी। रचना रचना इधर है। आप भी मेला में आते हो बहुत ज्यादा थक हार जाते हो तो आप ऑफिस के पास, ऑफिस है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारा चेयर लगा हुआ है, वहाँ पे बैठ सकते हो आके, थोड़ा सा तो रिलैक्स महसूस जरूर होगा क्योंकि पैर दर्द करने लगता है इतना बड़ा सा मेला है। सारा कुछ बन चुका है, वीडियो वगैरह सब कुछ, और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि रात के बज रहे हैं 8 और मच्छर वगैरह काट रहा है। ठीक है, पान, मीठा पान, स्मोक वाला पान देख सकते हैं। हम लोग निकल चुके हैं बाहर और अब जाएंगे, रात हो चुकी है, बहुत ज्यादा थक भी चुके हैं। तो बाय गाइस, यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल। अब रोज ब्लॉगिंग करने का सोचे हैं, डेली ब्लॉग्स आएगी, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।